रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट से देर रात कार सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया था। सूचना पर पुलिस भी एक्टिव हुई और युवक को पुल भट्टा थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। अपहरण के पीछे पुलिस पैसे के लेन देन का मामला बता रही है। इस मामले में अभी दो बदमाश फरार चल रहे हैं। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ट्रांजिट कैंप निवासी दया किशन क्षेत्र में ही वर्कशॉप में काम करता है। मंगलवार को कार सवार छह बदमाश पैसों के लेन देन को लेकर उसका अपहरण कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की एक सातवीं कक्षा की बच्ची ने जबरन युवक को लेकर जा रहे बदमाशों की कार का नंबर याद कर लिया। कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने उसकी धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पुल भट्टा क्षेत्र से मुख्य आरोपी नेपाल सिंह धर्मपाल सुनील कुमार को गिरफ्तार कर दया किशन को बरामद कर लिया, जबकि कुलदीप चतुर्वेदी और हिमांशु शर्मा फरार हो गए। पुलिस गिरफ्त में आए मुख्य आरोपी नेपाल सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले वह दया किशन के साथ फाइनेंस की गाड़ियां खींचने का काम करते थे, लेकिन काम के पैसे न देने के कारण उन्होंने दया किशन का अपहरण कर लिया। खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी दलीप कुंवर ने 2500 रुपये इनाम की घोषणा की है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। देखिए, कल शाम का मामला है। कल शाम में ट्रांजिटगंज थाना क्षेत्र का ये घटनाक्रम है, जिसमें एक दया कृष्ण नाम के व्यक्ति को कुछ बदमाशों ने अपहरण करके उठा के ले के चले गए थे। तो तत्काल हमारी टीम, पूरी टीम इसमें लग गई थी। तो ये ज्ञात हुआ कि उसका कुछ पैसों का लेन देन का मामला था, जिसमें एक व्यक्ति जो नेपाल सिंह जो है मुख्य अभियुक्त है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ इसको उठा के ले गया है। पुलिस ने काफ़ी मेहनत और घेराबंदी करने के बाद में पुलभट्टा के आगे उनको जो मुलजिम है उसको वहीं उसको गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही साथ में जो हमारा अपहृत है उसको भी आगे थोड़ा आगे उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ जब पूछताछ में ये जो बात आई है कि इनको लगभग 75,000 रुपये कुछ लेन देन का मामला था, जिसमें जिस आधार पर इन्होंने ये उसको उठा के ले गया था, उसको काफ़ी मारा पीटा भी, टॉर्चर भी किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तेजी के साथ कार्रवाई के कारण और घेराबंदी के कारण उसमें कोई अप्रिय घटना होने से बच गई और तत्काल पुलिस ने उसको विदिन 4-4.5 घंटे में इसको बरामद कर लिया। इस कारण एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के द्वारा भी इसमें 2500 रुपये की रिवार्ड की घोषणा की गई।